यार, तो ओवी 47 का अपडेट आने वाला है और ओवी 47 का अपडेट कौन से दिन आएगा मैं आप लोग को आज के इस वीडियो में बताऊंगी। साथ में आप लोग को ओवी 47 अपडेट के अंदर में कौन कौन से न्यू बंडल्स, इनके स्किन, कैरेक्टर और आप लोग को ओवी 47 अपडेट का जो एनिवर्सरी पर है या आप लोग कौन से डेट को देखने के लिए मिलेगा, ये मैं आप लोग को आज के इस वीडियो में दिखाने वाली हूँ। सो वीडियो को लाइक कर दो और अगर चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने प्यारे हाथों से बेल आइकन भी ऑन कर लेना। तो चलो गाइस, मेरे करियर की करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सो गाइस यार, सबसे पहले देखो ओवी 47 का अपडेट का डेट रहने वाला है 4 दिसंबर। 4 दिसंबर को 10 बजे सुबह ओवी 47 का अपडेट आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा। गेम के अंदर इंडिया, वीडियो और बाहर के जितने सर्वर है सारे सर्वर में आप लोग को 4 दिसंबर को ओवी 47 का अपडेट देखने के लिए मिलेगा। और ओवी 47 अपडेट स्पेशली आप लोग का जो एडवांस सर्वर है ये आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा 16 नवंबर को, और 16 नवंबर से 23 नवंबर तक चलेगा जो एडवांस सर्वर है। और इसके मतलब आप लोग को जो ओवी 47 का अपडेट है उसके अंदर कौन कौन से बंडल्स आने वाला है, गेम के अंदर मैप के अंदर क्या क्या चेंजेस आने वाला है, क्या क्या आप लोग को न्यू देखने के लिए मिलेगा और क्या क्या न्यू आने वाला है, सारा कुछ अपडेट आप लोग को एडवांस सर्वर आएगा तो जाके आप लोग को मिल जाएगा। और एडवांस सर्वर आने वाला है 16 नवंबर को, तो आप लोग को प्री रजिस्टर देखने के लिए मिल जाएगा 10 या फिर 12 नवंबर से। तो अगर आप लोग को एडवांस सर्वर डाउनलोड करना है तो तैयार हो। बाकी ओवी 47 के अपडेट में आप लोग को सबसे पहले तो यहाँ पे देखो नारुतो बंडल का एक नया लेजेंडरी बंडल देखने के लिए मिलेगा जिसका लुक चेंजर आने वाला है। और गरीना वालों ने सर्वे में पूछा है जो लुक चेंजर है ये किस टाइप का, आप लोग को जो एनिमेशन यहाँ पे आप लोग देख रहे हो किस टाइप का लुक चेंजर चाहिए, ऐसा है जो सर्वे में आया था। और यहाँ पे आप लोग जितना भी देख रहे हो नारुतो का, इसमें से कोई भी आप लोग को लुक चेंजर देखने के लिए मिल जाएगा। लाइक नारुतो का आप लोग को लेजेंडरी बंडल देखने के लिए मिलेगा और लुक चेंजर वाला जो एनिमेशन बंडल है ये आप लोग को नारुतो का कुछ भी यहाँ पे से देखने के लिए मिल जाएगा। बट यहाँ पे आप लोग यहाँ पे देख रहे हो ये सब में से कोई भी आप लोग को लुक चेंजर देखने के लिए मिल जाएगा। नारुतो बंडल के अंदर में आप लोगों को ये सब में से कोई भी लुक चेंजर देखने के लिए मिल जाएगा जो अभी मैंने आप लोग को दिखाया। और एनिवर्स जरूर आएगा तो रिव्यू भी मैं आप लोग को करा दूंगी, तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ऑन रखना। और बाकी गाइस देखो, जो ओवी 47 का अपडेट आने वाला है वो नारुतो इवेंट स्पेशली आने वाला है। और नारुतो का इवेंट जनवरी से ही स्टार्ट हो जाएगा और उसके जितने भी आइटम्स है ये फिर आप लोग को जनवरी में ही देखने के लिए मिल जाएगा। तो अगर आप निकालना है तो फिर से डायमंड रखना स्टार्ट कर दो। बाकी आप लोग को नारुतो स्पेशली जो नारुतो के अंदर एनाइम दिखाई जाती है जो लोग देखते हैं उनको पता होगा, तो इनके अंदर जो आप लोग यहाँ पे देख रहे हो पिक्चर है, यहाँ पे स्टोरी जो है स्केच आप लोग को इसका ही जैसा आप लोग को जो क्राफ्टलैंड मोड है ये भी आप लोग को नारुतो में देखने के लिए मिलेगा। लाइक आप लोग को नारुतो के स्टोरी के थीम में जो क्राफ्टलैंड मैप है ये आप लोग को न्यू देखने के लिए मिलेगा। सब नारुतो का जो इवेंट है ये स्टार्ट होगा जनवरी से इंडिया ब्रिटिश सर्वर के अंदर और बाहर के सर्वर में भी। सो नारुतो इवेंट स्पेशली ओवी 47 का अपडेट आने वाला है और नारुतो का इवेंट जनवरी से ही स्टार्ट हो जाएगा। और नारुतो इवेंट स्पेशली आप लोग को नारुतो बंडल देखने के लिए मिलेगा जिसका लुक चेंजर आने वाला है। लाइक नारुतो बंडल का ही लुक चेंजर आने वाला है। और नारुतो इवेंट स्पेशली आप लोग को नारुतो की थीम में 3 न्यू बंडल्स देखने के लिए मिलेगा। गेम के अंदर 3 लेजेंडरी बंडल्स आने वाला है जिसका आप लोग यहाँ पे रिव्यू देख लो। सबसे पहले आप लोग को नारुतो इवेंट के अंदर जो 3 बंडल्स है, सबसे पहले तो आप लोग को जो नारुतो का बंडल है ये तो आप लोग को लुक चेंजर बंडल देखने के लिए मिलेगा जो लेजेंडरी होने वाला है। और नारुतो इवेंट स्पेशली आप लोग को ये इटाची नाम है इसका साथ से ये वाला जो एनमी का बंडल है ये आप लोग को देखने के लिए मिलने वाला है। और बाकी आप लोग ये बंडल को जानते हो उसका नाम क्या है तो कमेंट में बताना, आप लोग को ये बंडल भी देखने के लिए मिल जाएगा नारुतो इवेंट स्पेशली गेम के अंदर आने वाला है जिसका 3D लुक आप लोग यहाँ पे देख सकते हो बंडल का। तीसरा आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा ये वाला बंडल और इसका नाम भी शायद से इटाची ही है। बाकी आप लोग को ये बंडल भी नारुतो इवेंट स्पेशली देखने के लिए मिलेगा गेम के अंदर। और इस बंडल का फैन फॉलोइंग बहुत ही ज़्यादा, बंदे इस बंडल को पसंद करते हैं। बाकी ये बंडल भी आप लोग को नारुतो इवेंट स्पेशली देखने के लिए मिल जाएगा, तो अगर आप लोग को निकालना है तो अभी से डायमंड बचाना स्टार्ट कर दो क्योंकि ये 3 बंडल्स आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा दिसंबर नहीं जनवरी में। जनवरी में ये सारे इवेंट्स के बंडल्स आने वाला है। नारुतो के थीम में आप लोग को और भी जो आइटम है ये देखने के लिए मिलेगा। और ये रुमाल जैसा जो दिख रहा है लूटबॉक्स स्किन नहीं तो स्काईवुड की स्किन होगी। नेक्स्ट आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा बैकपैक का स्किन जो पूरा ही गोल 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 घूमेगा, क्या ही बैकपैक का स्किन है। साथ में आप लोग को यहाँ पे डोगी वाला देख रहे हो ये शायद बैकपैक का स्किन ये है।
और बाकी ये कुछ और ही होगा। और बाकी आप लोग को यहाँ पे और एक देखने के लिए मिल जा रहा है, शायद से इसको लूट बॉक्स होगा शायद। बाकी आप लोग को ये सारे जो आइटम है ये आप लोगों को गेम के अंदर रिवॉर्ड में देखने के लिए मिलेगा। साथ में आप लोग को ये सारे आइटम्स भी देखने के लिए मिलेगा जो नरूटो अपने माथे में लगाता है। ये सब आप लोग को जो बैट की स्किन है, स्काइटी की स्किन है, ये सब में आप लोग को देखने के लिए मिलेगा। नरूटो स्पेशली आप लोग को नया म्यूजिक कार्ड भी देखने के लिए मिलेगा। और नरूटो इवेंट स्पेशली आप लोग को जो यहाँ पे नया इमोट है ये भी आप लोग को देखने के लिए मिलेगा। सो नरूटो देखते हैं उनको पता चल गया होगा कौन सा इमोट है। बाकी इमोट का रिव्यू फिर जल्दी ही आ जाएगा तो मैं आप लोग को दिखा दूंगी। बाकी आप लोग पिक के अंदर जो इमोट है ये आप लोग देख के पता कर सकते हो कैसा इमोट होगा, जैसे रिव्यू आएगी तो मैं आप लोग को करा दूंगी। और नरूटो का इवेंट जनवरी में स्टार्ट होगा तो आप लोग को नरूटो इवेंट स्पेशली जो लोडिंग स्क्रीन है कि आप लोग को कुछ ऐसा देखने के लिए मिल सकता है। बाकी ये अभी के लिए तो एडिट है बट आप लोग को सेम ऐसा या फिर ऐसे ही कुछ देखने के लिए मिलेगा। और साथ में आप लोग यहाँ पे और भी लोडिंग स्क्रीन देख सकते हो, बहुत ही खतरनाक वाला लोडिंग स्क्रीन आया है। और बाकी ये सारे तो एडिट है बट आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा जनवरी में जब नरूटो का इवेंट स्टार्ट होगा, तो जाके आप लोग को ऐसे ही लोडिंग स्क्रीन और लो फीफी नरूटो इवेंट के थीम में देखने के लिए मिलेगी। और फिर कैसे आप लोग सोच रहे हो जो नरूटो का बंडल है ये गेम के अंदर कैसा दिखेगा, तो वैसे जो नरूटो का बंडल है ये गेम के अंदर आप लोग गेम खेलोगे तो आप लोग को सेम जैसा एनाइम एनमी में दिखता है वैसे ही जाके आप लोग को देखने के लिए मिलेगा। लाइक आप लोग एनाइम देखते हो ना, उसके अंदर में जैसे आप लोग को नरूटो देखने के लिए मिलता है, उसका बंडल देखने के लिए मिलता है। गेम के अंदर आप लोग नरूटो बंडल खेल के लोगे, नरूटो बंडल के साथ में खेलोगे तो आप लोग को वैसा ही लगेगा। लाइक डेमन स्लेयर का बंडल आया है जो गेम के अंदर एनमी जैसा ही लगता है, वैसे ही नरूटो का बंडल आएगा तो ये फिर एनमी में जैसा दिखता है वैसे आप लोग को गेम के अंदर भी वैसा ही देखने के लिए मिलेगा। और इसका जो बंडल का जो भी मतलब जैसा दिखता है वैसे ही आप लोग को देखने के लिए मिलेगा। बाकी गेम प्ले के अंदर आप लोग देख ही सकते हो। और बाकी नरूटो इवेंट स्पेशली तो मैंने आप लोग को सारा कुछ अपडेट बता दिया कब आएगा और क्या क्या आप लोग को देखने के लिए मिलेगा। बाकी जल्दी रिव्यू आ जाएगा बंडल्स का पूरा और इमोट और आइटम्स के, तो मैं आप लोग को दिखा दूंगी। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया कर दो और चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो अगर नहीं किया है अभी तक तो। और गाइस मैजिक ओरा बंडल का रिंग इवेंट आप लोग को देखने के लिए मिलने वाला है 27 अक्टूबर को। 27 अक्टूबर को आप लोग को मैजिक ओरा बंडल के साथ में रिंग इवेंट के अंदर देखने के लिए मिल जाएगा इनक्यूबेटर का ये वाला मलका बंडल। और ये दोनों में से एक बंडल आप लोग को निकल जाएगा, 200 स्पिन में गारंटी है आप लोग को ये दोनों बंडल में से एक बंडल निकलेगा। बाकी आप लोग को टोकन एक्सचेंज पर क्या क्या देखने के लिए मिलेगा ये तो आप लोग को पता चल ही गया होगा। 3 गन के स्किन्स है और 3 बंडल्स और 1 फेस मास्क है। सो नेक्स्ट रिंग इवेंट के अंदर 27 अक्टूबर को आप लोग को मैजिक ओरा बंडल का रिंग इवेंट देखने के लिए मिलेगा। बट इसके बाद आप लोग को नेक्स्ट रिंग इवेंट देखने के लिए मिलेगा वीआई इवेंट स्पेशली आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा मलका बंडल देखने के लिए मिल जाएगा रिंग इवेंट के अंदर VR Day 2024 इवेंट स्पेशली मलका बंडल, जिसका हेयर स्टाइल बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है और साथ में इसका जो पेंड और हेयर है ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। साथ में इसकी जो फीमेल पर्सन है ये इसका जो टॉप है और इसका जो हेयर है ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। साथ में आप लोगों को गुलवल के स्किन में देखने के लिए मिल जाएगी फुया इवेंट के रिंग इवेंट के अंदर में और फुया वाला इमोट भी देखने के लिए मिल जाएगा। सो मैजिक ओरा बंडल के रिंग इवेंट के बाद आप लोगों को नेक्स्ट रिंग इवेंट फुया इवेंट के थीम में देखने के लिए मिलेगी, जिसके अंदर बंडल्स और इमोट आने वाला है। तो अगर आप लोग को मैजिक ओरा बंडल निकालना है तो वो भी निकाल सकते हो, नहीं तो आप लोग फुया बंडल का वेट कर सकते हो। मैजिक ओरा बंडल के रिंग इवेंट के बाद फुया बंडल का ही रिंग इवेंट आने वाला है जो 10 नवंबर को आएगा। तो चलो गाइस मिलते हैं न्यू वीडियो में, टाटा बाय बाय।